प्रदेश कोषालयन शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा कोष लेखा लिपिकों को लंबित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया गया धरना। छत्तीसगढ़ प्रदेश कोषालयन शासकीय कर्मचारी संघ प्रदेश स्तर पर कोषालयन कर्मचारियों का छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रजिस्टर्ड एकमात्र संगठन है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी जिला कोषालय, उप कोषालय, संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला तथा संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन के समस्त कर्मचारी सदस्य शामिल हैं, जो अपने लंबित मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को दुर्ग के हिंदी भवन के सामने सभी कर्मचारियों ने अपनी 4 सूत्रीय मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि अगर सरकार उनकी जायज मांगों को पूरा नहीं करती तो आगामी दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने बाध्य होंगे। वो छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोषालयन शासकीय कर्मचारी संघ से जुड़े हुए हैं। हमारी 4 स्तरीय मांग को लेकर यह धरना किया जा रहा है। प्रथम चरण के तहत 7 अगस्त से 11 अगस्त तक हमने काली पट्टी लगाकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपना प्रथम चरण पूर्ण किया। शासन की निष्क्रियता को देखते हुए हमें पुनः अगले चरण की ओर यानी द्वितीय चरण की ओर बढ़ना पड़ा। आज जो है हम सब धरना स्थल पर एकत्रित होकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे हैं, और अगर द्वितीय चरण में भी हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हमें तृतीय चरण की ओर रुख करना पड़ेगा। तृतीय चरण जो है वो 8 सितंबर को होगा। 8 सितंबर को पूरे प्रदेश स्तर से हम सभी जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय का, उनके निवास स्थान का घेराव करेंगे, और तब भी हमारी मांग पूरी नहीं होती तो 25 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम जाएंगे। हमें संभाग स्तर में आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 तारीख से 11 तारीख तक हमने काली पट्टी लगाकर शासन को, प्रशासन को बताने का प्रयास किया है कि हमारी मांगे जो है 4 सूत्री है। 4 सूत्री में पहला है वेतन विसंगति दूर करना, और तीसरा है कि जो चतुर्थ श्रेणी है उनका जो 1300 ग्रेड पे है उसे 1800 किया जाए, और तृतीय समय मान जो अपने समय मान उसको दिया जाए, तृतीय समय मान चतुर्थ कर्मचारी है, और एसएस का जो कोटा है जो कम है उसे और बढ़ाया जाए, ताकि हमारे आने वाले भविष्य को, हमारे उज्जवल भविष्य को, आगे अधिकारी बनने का हमको सभी को उसका पूर्ण लाभ मिल सके। ऐसे कह के हमने ये धरना प्रदर्शन अभी तक से चालू रखा है। आगे किस तरह की रूपरेखा रहेगी? आगे भी हमारी रूपरेखा यही है कि एक दिन की कार्य कौन सी तारीख का, द्वितीय चरण में अगर पूरा नहीं होता, हाँ द्वितीय अगर चरण हमारा पूरा नहीं होता है तो फिर हमने अपने मुख्यमंत्री घेराव का भी इसमें पूर्ण छत्तीसगढ़ से जितने भी हमारे जिले हैं उसे पूरा रायपुर जिला में मुख्यमंत्री घेराव करने का भी आश्वासन दिया गया है। एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।